हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद नीलम। आज का मेरा ये वीडियो है गार्डनिंग शॉपिंग हॉल के ऊपर। मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है अपने गार्डनिंग के सामान के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वही सारा सामान जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं ना ऑनलाइन, मैं आज सारे के सारे वही प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गार्डनिंग में ज़रूरी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा ये है। ये मेरे ये स्टैंड्स हैं, ये मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन। ये देखिए, ये इतने अच्छे हैं। ये आयरन के स्टैंड हैं ये, और ये जो है ना सिंगल सिंगल गमले को रखने वाले स्टैंड हैं। आप चाहिए तो सिंगल सिंगल गमले वाले स्टैंड भी मंगा सकते हैं। और बेंचेस भी आते हैं जो कई सारे गमलों को एक साथ जहाँ जैसे रखते हैं ना, बेंचेस होते हैं पूरे के पूरे, उस पर हम कई सारे गमले रख सकते हैं, स्टैंड होते हैं वो, और उसकी जगह हम इस टाइप के भी ले सकते हैं। ये भी बहुत काम के होते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी अपनी बालकनी में गमले रखते हैं या अपने रूम में रखते हैं, इंडोर जो प्लांट्स लगाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग एक या दो ही गमले अपने रखते हैं, तो उसके लिए ये जो होते हैं ना सिंगल स्टैंड जो होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। ये इसलिए भी सही होते हैं क्योंकि जब हम लोग गमले लगाते हैं तो क्या होता है कि गमलों के नीचे ना मिट्टी या कूड़ा या गंदगी इकट्ठी हो जाती है, और फिर हम लोग झाड़ू से उसे साफ नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, ये है ना, इसके नीचे यहाँ पे गंदगी और कूड़ा इकट्ठा हो गया है। अगर इसी चीज को हम स्टैंड के ऊपर रख देते हैं तो बहुत ही आसानी से नीचे हम झाड़ू भी लगा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं आसानी से, फ्लोर जो है वो बहुत क्लीन रहता है और गंदा भी नहीं होता है। तो ये स्टैंड ना इसलिए बहुत ज्यादा काम किया है, गार्डनिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो अच्छा है कि अगर हम लोग इस टाइप के जो स्टैंड है ना वो यूज करें, तो जो पानी है वो डायरेक्ट फर्श पे लीकेज नहीं होगा और जो सीलन की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं आएगी, नीचे सफाई भी रहेगी गमलों के नीचे। तो इसलिए ये स्टैंड जो है ना बहुत ही काम के हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो हम चाहें तो हम इस तरीके के सिंगल स्टैंड यूज कर सकते हैं, या फिर हमें अगर बहुत सारे गमले एक साथ लगाने हैं तो फिर हम बेंच वाले जो स्टैंड आते हैं ना उनका यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो ये पूरे के पूरे 12 मंगवाए हैं ऑनलाइन, पूरे 12 का सेट मंगवाया है मैंने अपने गमले रखने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ गमले बालकनी में रखने हैं, कुछ इंडोर रखने हैं और कुछ अपने स्टेयर्स वगैरह पे लगाने होते हैं, तो उस पर्पज से मैंने मंगवाए हैं ये। इसके अलावा एक मैंने ये ट्रेस भी मंगवाई हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही काम की होती हैं। सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये ट्रेस का है, ये गमलों के नीचे लगाई जाती है और ये इतनी काम की होती हैं। जैसे कि हम ये अपने गमलों में पानी देते हैं ना, तो पानी क्या होता है ड्रेन आउट होके सारा का सारा नीचे आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे गमले इंडोर रखे हुए होते हैं तो सारा फ्लोर जो है ना वो गंदा हो जाता है, सारा गीला गीला हो जाता है वहाँ पे, तो बार बार हमें साफ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग अगर ये ट्रे यूज करेंगे तो ट्रे यूज करने से क्या होगा कि हमारे जो गमले हैं ना, हमारा जो पानी जो ड्रेन आउट होगा वो डायरेक्ट एक तो फर्श पे नहीं जाएगा और फर्श क्लीन रहेगा। दूसरा कि क्या होता है कि पानी जो हम डालते हैं तो एकदम से पानी जो है ना सारे का सारा ड्रेन आउट हो जाता है, क्योंकि लोगों ने ऐसी मिट्टी बनाई हुई होती है, हमारी ऐसी सॉइल होती है कि पानी सारा ड्रेन आउट हो जाता है। और इसमें पानी फिर वो क्या होता है, जो वाटर होता है ना जो ड्रेन आउट होता है वो सारा का सारा ट्रे में कलेक्ट हो जाता है, और प्लांट को जब जरूरत पड़ती है तो वो पानी जो है यहीं से सीधा सक कर लेता है, और प्लांट को जब जरूरत पड़ती है तो वो उसको पानी वापस मिल जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिसके पास हमें थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना कि पानी वगैरह भर के रख दो वहाँ पे, ताकि प्लांट को जो ह्यूमिडिटी पसंद होती है, मॉइस्चर पसंद होता है आसपास, तो ये ट्रे ना तब भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगर हमारा पानी भरा रहता है ना नीचे निकला हुआ, जो ड्रेन आउट होकर पानी नीचे आता है, प्लांट को जब भी जरूरत होती है तो प्लांट उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है वापस, तो इसलिए भी, और नीचे सफाई रहती है उस पर्पज से भी ये वाली जो ट्रेज होती है ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है गार्डनिंग में, हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा मेरे को ये वाला भी ट्रे का सिस्टम भी, कि हम ट्रेज अपनी ना इस तरीके से यूज करेंगे तो हमारे गार्डन में ना साफ सफाई भी रहेगी, या बालकनी या टेरेस जहाँ पर भी हम लगाते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा साफ रहता है एरिया आसपास का, और सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने ना मेरा जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है एक हैंगिंग प्लांटर है जो मैंने वॉल पर लगाने के लिए मंगवाया है, वो इस टाइप का है, ये भी मेटल का बना हुआ है, और इसको हम वॉल पे लगाने के बाद ना इसमें ये जो है प्लांटर है एक छोटा सा, इसको इस तरीके से ना हैंग कर सकते हैं, और इसमें कोई सा भी छोटा सा जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉट आते हैं ना उसमें हम कोई भी सुंदर सी चीज लगा के, जैसे मनी प्लांट लगा दिया या कोई भी वेंडिंग जू लगा दिया या कुछ भी लगा दिया सुंदर सा प्लांट, और उसको लगा के इसके अंदर हम डाल देंगे, और जब ये बाहर निकलता है वॉल पे लटकेगा ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये इस तरीके से हैंग हो जाएगा वॉल पे, तो एक बहुत ही अच्छा डेकोर आइटम हमारी वॉल के लिए हो जाता है ये, ताकि जैसे कि अगर हमको अपने बालकनी में कहीं लगाना है तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट नजर आया मुझे।
और इसमें हम ना ओरिजिनल प्लांट तो लगा ही सकते हैं, ओरिजिनल प्लांट के अलावा भी हम इसमें ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं जैसे ये आर्टिफिशियल प्लांट लेके वो भी लगा के हम इसको अपने रूम में भी कहीं अगर हमें वॉल पर हैंग करना है तो उस काम में भी हम इसको ले सकते हैं, रूम में अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए डेकोर, हम इसे रूम में भी अंदर यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हम किस तरीके से पॉट को डाल सकते हैं। जैसे फ्रेंड ये है ना छोटा सा पॉट, अभी मैं आपको दिखाने के लिए यही वाला डाल के दिखा रही हूँ। जैसे ये हमने डाल दिया, अब ये तो है जैसे कि ऊपर बढ़ता हुआ है ये पर्पल आर्ट नीचे की तरफ भी फैलता है, तो इसी तरीके से हम कुछ फैलता है वैसा प्लांट जो नीचे की तरफ कुछ लटके कुछ ऊपर की तरफ से थोड़ा सा जा रहा हो वो हम इसके अंदर डाल के हैंग कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। फिर ये बहुत ही सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर है ये गोल्डन कलर का मैटलिक में। फ्रेंड ये मैंने जो मंगाया ना मैंने अपनी बालकनी में लगाने के लिए मंगाया है, मेरे पास बालकनी में एक जगह है ऐसी जहाँ पे मुझको अपना ये वाला जो प्लांटर है ना ये हैंग करना है, इसी पर्पज से मैंने इसको मंगाया है। इसके अलावा फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना गार्डनिंग के लिए, गार्डनिंग के टूल्स होते हैं जो हर एक के पास होने ही चाहिए। वैसे तो हम लोग जुगाड़ से गार्डनिंग के जो टूल्स हैं उसका काम हम अपने जुगाड़ से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, किचन में हमारे या हमारे पास घर में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि हम गार्डनिंग का काम कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम गार्डनिंग के शौकीन हैं हमें गार्डनिंग करना अच्छा लगता है और तो हमारे पास ये वाले जो टूल्स है ना ये होने ही चाहिए, ये वाले जो गार्डनिंग के टूल्स है ना ये होने ही चाहिए। तो ये भी फ्रेंड मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया है, ये गार्डनिंग की किट है पूरी की पूरी और ये मैंने मेटल के बॉक्स के सहित ऐसे ही मंगवाई है, ये पूरा का पूरा इसी तरीके से है मेटल का बॉक्स इसके साथ मैंने लिया है। उसमें ना ऑप्शन होता है आप चाहें तो मेटल का बॉक्स लें चाहें तो ना भी लें, कई ऑप्शन होते हैं उसमें। तो मेरे को इसमें ग्लव्स है और एक सीड का पैकेट इन लोगों ने डाल रखा है, इसमें प्रूनिंग शीयर वगैरह है इसके अंदर ब्रांच वगैरह कटिंग के लिए, सीजर है और ये वीडर है। इसके अलावा फ्रेंड ये फॉक है और ये ट्रॉवल है शॉवल है, ये फॉक है रेक है ये फॉक है। तो फ्रेंड इसमें ये सारे इतने सारे जो है ना किट में सारे के सारे ये किट के साथ ये वाले टूल्स आए हैं मेरे 7 के करीब फ्रेंड से जो है ना टूल इसके अंदर से निकले हैं, सारे के सारे गार्डनिंग में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गार्डनिंग के लिए। हम लोग वैसे गार्डनिंग का काम बिना इन टूल्स के भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम गार्डनिंग के शौकीन हैं हमें गार्डनिंग करना अच्छा लगता है और लेना चाहें तो हम ये सबके पास होने ही चाहिए गार्डनिंग के टूल्स, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैं काफी टाइम से सोच रही थी गार्डनिंग के टूल्स लेने के लिए। वैसे तो मैं काम चला ही रही थी पेचकस या नाइफ किसी ना किसी इन चीजों से ही ना गार्डनिंग में काम करती रहती थी, लेकिन काफी टाइम से सोची थी मैं गार्डनिंग की किट लेने के लिए तो मेरे को ये वाली सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें बॉक्स साथ में था और सारा का सारा सामान जो है ना वो एक ही जगह पे इसी बॉक्स में आ जाएगा। इसमें ग्लव्स भी इन्होंने साथ में दिए हैं, वैसे तो हम लोग मिट्टी से ही काम करते रहते हैं मिट्टी में ऐसे ही बिना कुछ ग्लव्स पहने काम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो थोड़ा सा सेफ हो जाता है कि नेल्स में जो मिट्टी वगैरह हमारे भरती है ना वो नहीं भरेगी, तो अच्छा लगेगा अगर हम ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो अच्छा रहता है। और मैंने ये इसलिए मंगाया फ्रेंड क्योंकि ना मेरे पास क्या था मेरी सीजर वगैरह जो थी वो खो गई थी और मेरे को लेनी थी सीजर भी मुझे लेनी थी और ये प्रूनर जो होता है ना प्रूनिंग शीयर जो मोटी मोटी स्टेम्स कट करने के काम आता है तो ये भी मेरे को लेना था, तो फिर मैंने पूरी की पूरी किट ही परचेज कर ली क्योंकि पूरी की पूरी किट जो ना बहुत ही काम की है और गार्डनिंग जो करता है उसके पास ही होनी चाहिए। और इसका जो भी जैसे भी इन सारे सामान का यूज करते हैं ना गार्डनिंग में उस पर फ्रेंड मैं एक अलग ही वीडियो बना के अपलोड करूंगी तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि इसको हम किस किस तरीके से गार्डनिंग में यूज करेंगे। तो और इसके अलावा फ्रेंड कुछ मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छा सा DIY है जो घर पे बनाया गया है वो मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ। DIY या आप देख लेंगे ये 2 DIY है जो घर के बने हुए हैं और ये जो है ये एक मेटल के बॉक्स से बनाया हुआ है, मेटल का टिन है ये डब्बा होता है ना मेटल का वो है ये, इसमें नीचे होल कर लेंगे और होल करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम कोई सा भी जो प्लांट है ना छोटा ऐसा प्लांट जिसकी रूट्स जो ज्यादा गहरे में ना जाती हो और ज्यादा फैलता हो ऐसा कोई भी प्लांट हम इसमें लगा सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगेगा रखा हुआ। और इस तरीके के DIY बना के हम जो पुरानी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें होती है उनका यूज़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। और एक ये बॉटल है ये भी एक खाली बॉटल पड़ी हुई थी घर में तो उसके भी पेंट करके देखो ये कितनी ब्यूटी लग रही है कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसको चाहे हम इसमें हम पानी भर के जो होता है ना मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं वो लगा सकते हैं
या फिर हम इसमें कोई भी लाइट्स वगैरह डाल के एज ए डेकोर हम अपने रूम के अंदर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ही प्रिटी बॉटल बनी है ये पेंट करके घर पे। तो इस तरीके से आप भी घर में पड़ी हुई कुछ चीजों से अपने गार्डन के लिए या अपने घर के लिए कुछ भी अच्छा सा डीआईवाई बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने अपने गार्डन के लिए की है। आप लोगों को अगर ये शॉपिंग पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये गार्डनिंग का सारा सामान कैसा लगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को फ्रेंड्स दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।